नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा के लालगंज चोरों ने 5 दुकानों के ताले तोड़े, नकदी पर किया हाथ साफ। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा की भरतपुर गेट चौकी एवं कोतवाली थाना से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित लालगंज जो की किराना मार्केट है, वहाँ बीती रात चोरों ने अपना तांडव दिखाया। दुकानदारों के अनुसार रात्रि 2:30 से 3 बजे चोरों ने 5 दुकानों के ताले तोड़कर दुकानों में रखी नकदी को पार कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि चोरी की वारदात 2:30 बजे के बीच हुई है, जिसकी सूचना पर आई पुलिस ने फोन कर उनको दी। दुकानदारों ने बताया कि जब वह दुकान पर पहुंचे तो उनके सभी के ताले टूटे हुए थे, गले बाहर पड़े हुए थे और उनमें से नकदी गायब थी। दुकानदारों के अनुसार उनकी दुकान से नकदी के सिवा कुछ भी गया नहीं है। व्यापारियों ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाती कहा कि पास में ही चौकी और थाने कुछ ही दूरी पर हैं, फिर भी चोर अपना तांडव दिखा रहे हैं। चोर बीती रात 5 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी ले गए हैं। पुलिस को जल्द से जल्द चोरों पर कार्यवाही करनी चाहिए एवं उनकी दुकानों की और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? तुषार। जी, कल क्या वारदात हुई? भैया रात को हम लोगों के पास फोन आया था, यहाँ पे पुलिस वाले गश्त पे आए होंगे तो उन्होंने फोन किया था कि ऐसे ऐसे ताले टूटे हुए हैं आप लोगों के, तो हम आए थे तो जब देखा था कि इसमें हमारे सामान तो योगी तो हैं, सामान कुछ नहीं गया, कैश जो था हमारी गलों में वो गया। लगभग कितना रुपये? 40,000 रुपये करीब। इस तरह की वारदात जितनी हो रही है, त्योहार से पहले क्या सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? भैया ये तो पुलिस वालों को करना पड़ेगा, क्योंकि गश्त अलग उन्होंने बताई है पुलिस वालों ने। ये तो 5 किलो